स्कूल तो लापता होया 15 साल का बच्चा, स्कूल की फीस नहीं दी तो भेज दिता वापस, फिर वापस मुड़ के नहीं आया बच्चा। परिवार ने स्कूल ते लगाए गंभीर इल्जाम। दस दिए कि एक 15 साल का बच्चा स्कूल दे विच गुम हो गया, जिस तों बाद स्कूल दे विच परिवार वालों जम के प्रदर्शन किया गया। वेख सकते हो किस तरीके दे नाल माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। मिली जानकारी अनुसार बच्चा स्कूल आउंदा पर उसने स्कूल की फीस नहीं भरी होंदी, जिस कारण टीचर उसनू फीस लैन लई स्कूल तो वापस भेज देंदे ने, जिस तों बाद ना तो बच्चा घर पहुँचता है तो ना ही स्कूल वापस जाता है। तो जो इस गल का पता परिवार को लगता है तो परिवार का गुस्सा स्कूल पर फुटता है, तो वह स्कूल दे विच आके जम के प्रदर्शन करते हैं। दस दें कि मामला जलंधर का है, जिथे बच्चे का नाम युवराज दसया जा रहा है, तो उसकी उम्र 15 साल है। बच्चे के पिता ने कहा कि जो असी स्कूल प्रशासन को बच्चे बारे पूछा तो पहला उन्होंने कहा कि बच्चा स्कूल ही नहीं आया, तो जो CCTV दिखाने किया गया तो उन्होंने वालों आनाकानी की गई, अते जिस तों बाद ज़्यादा जोर पाया गया तो उन्हां वल्लों CCTV दिखाई गई तो पता लग्या कि बच्चा स्कूल दे विच आया सी ते बाहर जांदा भी विख्या। तो हुण परिवार इस संबंधी जिथे स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मंग कर रहा है, उत्थे उन्हां वल्लों जल्द तो जल्द बच्चे नूं लब्भण दी भी मंग कीती जा रही है। उत्थे मौके ते पहुंचे ASI सतपाल सिंह ने दस्सिया कि सानूं शिकायत मिली है कि बच्चा लापता होया ते उस दीआं तस्वीरां वख-वख थाणिआं दे विच भेज दित्तीआं गईआं ने ते मामले की जांच कीती जा रही है। मुकदमा दर्ज हो गया, सारे सारे थाने फोटा वगैरा भी पहुंचातीआं, वो चेक कर रहे हैं, सारी टीमां लगियां हैं। कोई CCTV फुटेज हुण तक सामने आई है? सामने नहीं आई है। बच्चे की उम्र कितनी क्लास केड़ी क्लास च पढ़दा? किन्नी क्लास च पढ़दा सी? नौवीं क्लास। करीब कितना टाइम हो गया बच्चे नूं? बच्चे नूं बोला कि भाई तुम्हारा फीस नहीं आया, एक महीना का फीस लेकर आओ। उसने बच्चे को भेज दिया फीस लाने के लिए। क्या नाम था मैडम का? मैडम को पता नहीं। कौन सी क्लास में पढ़ता बच्चा? नौवीं क्लास में पढ़ता। नौवीं क्लास में क्या नाम है बच्चे का? उसका नाम है युवराज। युवराज नाम है लड़का का। ये कब की बात है? कल की बात? कल की बात है। अच्छा जी। तो बच्चा जब निकल रहा है, अगर पैसे लेना है हमसे बताओ कि भाई आपको पैसा आना चाहिए, जब पैसे मैं नहीं दूं तब बच्चा बाहर काट सकते हो। बाहर बच्चे काट दिए, बच्चा गवाच गया। जब फीस ना देने के कारण बच्चे को बाहर निकाल दिया? ठीक है। उससे पहले एक दिन पहले ही 6 घंटा खड़ा किया था। दूसरे दिन उससे पहले एक दिन 6 घंटा खड़ा किया था अप्रैल में बच्चे को, कि तुम कहाँ चला गया था? हमने वैष्णो माता गया था बच्चा, 4 दिन लेट से आया था। बता भी दिए थे मैडम से कि मतलब 4 दिन हमारा लग जाएगा वैष्णो माता आने में, फिर भी बच्चा को खड़ा करा दिया 6 घंटा। अभी तक कोई अपडेट मिली? अभी तक मेरा कुछ नहीं मिला जी। बच्चे का कुछ पता नहीं चला है? कोई पता नहीं चला है जी। आपने कैमरे से CCTV चेक किए? मैं CCTV चेक किया हूँ। पहले तो मैडम बोला कि बच्चा नहीं आया है, हमने बगल से चेक किया, बगल में निकल गया लड़का के। हाँ, लड़का स्कूल एंट्री कर रहा है। तो मैडम को बोला अपना कैमरा दिखाओ। मैडम बोलता नहीं मैं नहीं दिखाना है, अभी हमारे पास चाबी नहीं है। मैं बोला ठीक है। 2 घंटे के बाद कोई बंदे आया, उसने कैमरा खोल के दिखाया, बच्चा अंदर एंट्री किया है, बच्चा बैग ऐसे टांग के साइकिल लेके बाहर को निकल रहा है। मगर गेट के पास कोई बंदे नहीं, उसको रोका कि हाँ तुम कहाँ जा रहे हो। मतलब सिक्योरिटी गार्ड को होना चाहिए कम से कम। ये कब की बात है? बच्चा अपने आप को निकल नहीं जाएगा। अच्छा, जब बच्चा निकला साइकिल लेके, ये कब की बात है? कल की बात है? कल की बात है?